इंडिया रिपब्लिक में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं जनपद हापुड़ के धोलाना क्षेत्र में, जहां पर बीएसपी प्रत्याशी ठाकुर नंद किशोर पुंडीर के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं उनसे, उनकी जनता की राय जानते हैं। तो फिर ऐसा प्रस्ताव पास करेंगे लोकसभा में, आपको हमको वोट डालने का हक नहीं, क्योंकि अभी आप देखते हो तानाशाही हो गई है, लोकतंत्र कुचला जा रहा। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है जो आज की बीजेपी कर रही है, और इस लोकतंत्र को बचाने का आप लोग जब ही काम करेंगे जब हम। नाम है सर? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। आज उद्घाटन हुआ है, यहाँ पे प्रत्याशी आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा माहौल है, सर्व समाज के व्यक्ति आए हुए हैं और हिंदू मुस्लिम सब बिरादरी आई हुई है। बहुत अच्छा माहौल है, जीत का माहौल है, सबका समर्थन प्यार मिल रहा है प्रत्याशी को। जैसे कि ठाकुर समाज का रोष दिखाई दे रहा बीजेपी में, तो इस बार कैसा लग रहा है, कितनी मतों से जीत पाएंगे? 100% आर पार है, तो ठाकुर समाज ने आर पार कर दिया काम सारा। बहन जी के साथ है, बहन जी ने समाज को सम्मान देने का काम किया है। हमारे साथ एक भाई और मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश जाटव है, मैं डास में से रहा हूँ। तो हमारे डास में से धोलाना क्षेत्र से हमने पहले भी जिताने का काम करा है, हमने अपना जिताने का काम करेंगे, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है हमारी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जैसे कि इस बार बीएसपी ने विश्वास करके ठाकुर समाज के प्रत्याशी उतारे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या कितना ठाकुर मिलेंगे, कितने बीएसपी? देखो, ये ठाकुर समाज जो है ये 84.5 क्षेत्र में बोला जाता है, जितना भी ठाकुर समाज है सब बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बिल्कुल एकदम एक तरफा वोट डालेंगे। आर्थिक हमारे साथ कुछ और भाई भी हैं, उनसे ही पूछते हैं। भाई से क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेंद्र है। धीरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये चुनाव प्रक्रिया चल रही है, 24 का चुनाव है, और बहुजन समाज पार्टी सर्वप्रिय है। बहन जी मायावती जी प्रधानमंत्री के दावेदार भी है, और ये हमारे जो ठाकुर ये नंदकिशोर पंडित है पुंडीर जो है, इनके जो वीके जनरल सिंह थे वो चुनाव बीजेपी से लड़ते थे, अब को उन्होंने टिकट काट दिया, तो हमारी बहन जी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इनको नंदकिशोर पुंडीर जी को यहाँ का सांसद बनाने की पूरी तैयारी है। पूरा समाज, पूरा ठाकुर समाज, एक एक वोट कुंडीर साहब को मिलेगा, और ये सांसद बनके हमारा बहुजन समाज, उसमें दलित मुस्लिम सभी जो समाज है, बहन जी ने बड़े समीकरण करके कुंडीर साहब को यहाँ से टिकट दिया है, और ये सांसद बनके संसद बजाएंगे, और ये बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे, और हम इनके हाथ मजबूत करेंगे। एक भाई और भी खड़े हुए हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? सरपंच गजेंद्र भौजू, जिला पंचायत सदसपुर। तो इस बार जो चुनाव आ रहा है, वोटिंग आ रही है, तो इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे, वोट करेंगे? ऐसा है, जो इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो भ्रष्ट काम करे हैं, अभी कितना बड़ा घोटाला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का, मतलब हर चीज में फेल होगी सरकार, ये दोनों सरकारें। कई बिल्डर चला देते, बांध के मार देते हैं मुस्लिमों को, बांध के बेचारे दोनों को, अतीक अहमद को उनको गोली मार दी, एक कुछ और दे दिया अभी, तो ये अत्याचार कर रहे हैं। इस अत्याचार के खिलाफ इस बार ठाकुर समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज, सर्व समाज, हमारी पार्टी बहन जी ने जो है सर्व समाज, सर्व हिताय, सर्व सुखाय, सर्व समाज की पार्टी है, तो इसलिए गौतम बुद्ध नगर और यहाँ से ठाकुर समाज के प्रत्याशी है, और कैराना से बिल्कुल सर्वजन के सम्मान में बहन जी मैदान, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय पर देश की एक बहुजन समाज पार्टी है, जो सर्वजनों का हित के लिए काम करती है। पूर्व में बीएसपी का इतिहास रहा है, वर्तमान में भी बीएसपी का लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में भी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय पर ही टिकटों का वितरण किया है बहन जी ने। बहन जी इस देश की वो मुखिया है जो देश की प्रत्येक धर्म जाति सभी जनता का ख्याल रखने वाली वो सुप्रीमो बहन जी हैं। तो हमारा जनता से यही अपील है, यदि अपने समाज का हित चाहते हो तो बहुजन समाज पार्टी को वोट दें, हाथी वाला बटन दबाएं।
जनता का रुझान देखा हमने, एक भाई और भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानते हैं उनसे उनके विचार, क्या कहना चाहेंगे भैया? देखिए हमारा 2024 का चुनाव लोकसभा का आम चुनाव है और इस चुनाव को जो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है उसके बहुत सारे कई मुद्दे अहम मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, पुरानी पेंशन लागू करना, जो बहुत समय से हमारे सरकारी कर्मचारी हैं पुरानी पेंशन योजना से वंचित रह रहे हैं, हमारी सरकार ने वो भी खत्म कर दी है मौजूदा सरकार ने, तो हमारी सरकार उन पुरानी पेंशनों को भी लागू करेगी, रोजगार दिलाएगी और सभी शिक्षा के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण ध्यान शिक्षा पे दिया जाएगा, जो आज हमारे सभी लोग शिक्षा से वंचित हैं। तो इसी चीज को देखते हुए, इन चीजों पर विचार करते हुए, जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे बीच में प्रत्याशी उतारे हैं, वो बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, बहुत सरल स्वभाव और बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं। धोलाना विधानसभा 84 गांव आते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा नाम बाबू सिंह है, धोलाना विधानसभा कोषाध्यक्ष हूँ और उम्मीद है मेरे क्षेत्रवासियों से कि मुझे बहुत बढ़ चढ़ के हमारे सभी क्षेत्रवासी, सभी पार्टी के पदाधिकारी हमारा सहयोग करेंगे और हम अपने प्रत्याशी ठाकुर नंद किशोर पुंडीर जी को बाहरी महूत से बढ़त दिलाते हुए धोलाना विधानसभा के बिहार भेजेंगे। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, ठाकुर नंद किशोर पुंडीर जी, ठाकुर नंद किशोर पुंडीर जी, जय भीम। ठाकुर साहब, आज धोलाना क्षेत्र में कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारी लोकसभा गाजियाबाद की धोलाना विधानसभा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, मेरे सभी साथी और मैं काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरफा चुनाव है और धोलाना के जो वासी हैं, ग्रामवासी, शहरवासी सभी मेरे समर्थन में खड़े हैं, 36 बिरादरी सभी धर्म के मेरे भाई बहन मेरे साथ खड़े हैं और यहाँ से हम भारत के लेकर विजय की ओर जा रहे हैं। जनता के सामने किन किन मुद्दों को लेकर आए हैं आप? देखिए इस क्षेत्र के मुद्दे यानी धोलाना विधानसभा के मुख्य मुद्दे हैं दो, जो सत्ताधारी लोग हैं यहाँ के, सत्ता पर काबिज हैं आज के समय, उन्होंने तहसील का जो भ्रष्टाचार चरण सीमा कर रखा है, आज उत्तर प्रदेश की सबसे जो भ्रष्ट तहसील है वो धोलाना है और ये जो सत्ताधारी लोग हैं इस लोकसभा के, मैं विधानसभा धोलाना के, ये भूमाफिया हैं, आपके जो प्रत्याशी हैं सत्तारूढ़ पार्टी के, उन्होंने पबला में हमारे समाज की जमीन हत्याई है, कब्जा कर रखा है, मैं काफ़ी पीड़ित है, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आज उनकी कोई आवाज़ सुन रहा है, इसलिए ऐसे भूमाफियाओं को, भ्रष्ट लोगों को सत्ता से हटाओ, तभी देश का, तुम्हारी लोकसभा का और विधानसभा विकास हो सकता है, कई बदल सकती है। 10 साल से बीजेपी ठाकुर समाज में विश्वास करके प्रत्याशी घोषित करती रही है, इस बार बीएसपी ने ठाकुर समाज को सम्मान दिया है, प्रत्याशी के रूप में उतारा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भले ही लोग कहते हो भाई यहाँ से हमेशा भाजपा जीतती आई है, लेकिन एक समय था कि भाजपा का जो नींव थी वो सवर्ण समाज था, क्षत्रिय समाज था, आज सत्ताधारी पार्टियों ने हमारे समाज की अनदेखी करी है और हमें सत्ता से हटाने की कोशिश करी जा रही है। आप याद करोगे 2009 का जब इलेक्शन हुआ, मेरे क्षत्रिय समाज के पूरे देश में 125 MP चुन के आए थे सभी दलों से, और आज स्थिति ऐसी पैदा होगी कि हर चुनाव में हम घटत की ओर हैं, जो समाज ने पहले भी देश को आज़ादी दिलाई है और सभी के साथ मिलकर लड़ा है और हमेशा अन्याय के खिलाफ देश की रक्षा करी है, यहाँ के लोगों की रक्षा करी है, आज सत्ताधारी पार्टी उन्हीं को हटाने का काम कर रही है, इसलिए अब उनका भी पतन होना निश्चित है। शिक्षा रोजगार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो रोजगार की तो बड़ी त्रासदी जैसा काम हो गया है क्योंकि जनसंख्या हमारे देश की काफ़ी है और सरकार अपने सभी वादों में फेल है और कोई रोजगार नहीं दे पा रही है, शिक्षा की ऐसी स्थिति बन गई है कि आम जिंदगी पहुँच से बाहर हो गई है, सरकारी स्कूलों में जो जरूरत के हिसाब से टीचर नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस इतनी महंगी हो गई है, कोई भी स्कूल 15,000 महीने से कम नहीं लगता, आम लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाए तो वहाँ शिक्षा नहीं है और प्राइवेट में उनका बजट नहीं है पढ़ाने का, क्योंकि खाने पीने की वस्तुओं पर और शिक्षा की बुक्स पर सभी पे इस सत्तारूढ़ी पार्टी ने टैक्स लगाए हैं, जिससे आम जनता की कमर टूट रही है और महंगाई से त्रस्त है जनता। और चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए जो आज समस्याएं हैं, वैसे तो ये जो चुनाव है
ये आम चुनाव है और राष्ट्र का चुनाव है, इसमें हमें राष्ट्रीय मुद्दों बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो हमारी यहाँ पे अस्थाई मतदाता है उनके हित की बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि वही लोग हमें संसद में पहुँचाएंगे। जैसा हाउस टैक्स का बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ी फिर महंगाई करती है, उसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा जा रहा है, जितने भी समस्या है जो भ्रष्टाचार है तहसील का वो माफिया है, सब पर कार्रवाई की जाएगी सरकार आने के बाद। और आपको बात करती हमारे जो सांसद बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार हमारी पार्टी सर्वाज पार्टी माननीय बहन जी की आशीर्वाद भी आने मिलेगी, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार माननीय बहन जी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनेगी और सभी धर्मों को सभी जातियों के साथ लेकर चलेगी। उनकी सरकारों में हमेशा सभी जाति बिरादरी और धर्म को बराबर मान्यता मिलती है, बराबर अधिकार मिलता है, बराबर उनका हिस्सेदारी मिलती है। भाजपा का नारा है 400 पार, इस बार बीएसपी कितनी सीट लेकर आएगी? देखिए मैंने आपको एक बात कही, वो कितनी सीट लेकर जाएगा तो 400 को पता लगेगा। मैं तो ये कहता हूँ वो 572 भी कह सकते हैं, 573 कुछ भी कह सकते हैं, 600 भी कह सकते हैं, कहने से कुछ नहीं होता। जमीन पर काम करो, जमीन पर स्थिति है, सत्ताधारी पार्टी बहुत से बहुत दूर है, और हमने बताया कि जो कुर्सी की चार जो पाए होते हैं, एक पाया बहन जी का होगा, इसलिए बहन जी ही बनाते देश की बनेगी।